This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष। दोस्तों आज आपके साथ एक केस डिस्कस करूंगा। दोस्तों मेरे क्लिनिक में एक क्रोनिक गैस्ट्रिक का पेशेंट आए थे और उनका मैं इलाज किया था। एक वीक के बाद आने के लिए बोला था मैंने। तो उनका जो समस्या था दोस्तों, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस था उनको एक साल से, और जो भी खाते थे उतना डाइजेस्टिव सिस्टम उनका स्ट्रांग नहीं था। जो भी खाते थे आधा पचन होता था और आधा नहीं हो पाता था, और एक जो सौर इरेक्टेशन उनको हुआ था दोस्तों। और ये समस्या लेके वो पेशेंट आए थे मेरे पास, तो उनका मैं ट्रीटमेंट किया था, एक क्विक ट्रीटमेंट किया था। तो चलिए सुनते हैं वो पेशेंट क्या बोलते हैं। अच्छा, तुम्हें तो कौन प्रॉब्लम है इतना? मुझे बहुत दिन धरी गैस्ट्रिक है इतना वर्ष ही गला छाड़ू नथिला। खाइबा समस्या कौन रहूला कि माने खाइले जीरो थिला कि पेटरे जीर्ण होतला कि टिके टिके जीरो थिला आ रही टिके जीर्ण नथिला। हां आ कौन गैस्ट्रिक बहुत बढ़ जाई थिला। हां आंबिलिया पुड़ी असला आंबिल। हां अच्छा, तले एटा बसैलानी तमर थिला तले मेडिसिन खाइ के तमो केते दिन हला? ए मेडिसिन खाइ कर गुटे 7 दिन ही गला। 7 दिन हला ओए। एबे तमो कौन फील होछ? एबे भल लागछि। भल लागछि ओए। तो एबे आ जो आंबिडिया पुडो सेटा आसियार बंद नै आसु नै। अच्छा, तमरा एबे समस्या होची तमरा पाइल्स ओडे प्रॉब्लम आगुर जो थिला से पाइल समस्या एबे नै कि तमे आसतो, किंतु गैस्ट्रिक समस्या तमर पूरा भलो होई छी। हां भलो होई जाय छी। अच्छा ठीक अछि दोस्तों, ये था पेशेंट का रिएक्शन आफ्टर टेकिंग होम्योपैथी मेडिसिन फॉर 1 वीक। तो मैंने उनको 2 मेडिसिन दिया था। जो मेरा पहला दवा सिलेक्ट किया था वो था नक्सभूमिका। दूसरा मेडिसिन जो एक मदरटिंचर दिया था वो था चेलिडेमियम का मदरटिंचर। ये पेशेंट कभी कभी अल्कोहल लिया करते थे दोस्तों, और उनका जैसे अगर सिम्टम देखेंगे तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन उनका रहा था, पाइल्स का समस्या था, पुराना पाइल्स का समस्या भी था, और अभी फिर से उनका पाइल्स का समस्या रिटर्न हुआ है। ठीक है, ये मेडिसिन खाने के बाद तो अभी उनका पाइल्स का समस्या के लिए मैं उनको प्रिस्क्राइब किया हूँ प्रेजेंट कंप्लेंट में। तो इस वीडियो फिर से चालू रहेगा दोस्तों, ये पेशेंट को फिर से मैं कैमरा के सामने लेके आऊँगा उनका पाइल्स का समस्या खत्म करने के बाद। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, और फिर से मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।